दोस्तों आई स्किड पर रजिस्ट्रेशन करने का दो तरीका है, एक विथ डीएससी सिग्नेचर क्लास 3 यूज होता है और विदाउट डीएससी। तो विथ डीएससी करने के लिए कुछ ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउजर होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में ही वो डीएससी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। जावा का सेटअप 1.8 होना चाहिए और डीएससी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए। तो दोस्तों पहला जो रजिस्ट्रेशन है विथ डीएससी, वो मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है आई स्किड पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो आईईसी और जीएसटीआईएन के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है आई स्किड पर रजिस्ट्रेशन करने का। अब ये पहला तरीका है जिसमें जो मैंने वीडियो बनाया था पहले, उसमें जीएसटीएन की जरूरत उस समय नहीं पड़ती है जब आप रजिस्टर आई स्किड पर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, तो बाद में आप जीएसटी लिंक कर सकते हैं। और जीएसटी लिंक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपका सामान एक्सपोर्ट होने के लिए जाएगा वहाँ पे कस्टम पे, तब जीएसटी नहीं रहेगा तो वो आपका जो सामान है वो पेंडिंग में रहेगा, वो आपका एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए लिंक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दो तीन चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि जब आप आईस्किड पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं आपके पास डीएससी है तो जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती इनिशियली, बट बाद में आप जीएसटी को लिंक कर सकते हैं। बट अगर आप डीएससी के थ्रू नहीं रजिस्टर करते हैं आईस्किड पे, तो आपको जीएसटी की जरूरत उसी समय पड़ती है। तो जीएसटी आपके पास अगर है तो आप बाद में भी जीएसटी को आईस्किड पे लिंक कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप आईस्किड पे जाइए और यहाँ पे देखिए आईसी जीएसटीएन इंटीग्रेशन आपको दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करिए। और आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जीएसटीएन इंटीग्रेशन करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करिए और फिर आप जीएसटीएन नंबर देकर करके आईस्किड पे सबमिट कर सकते हैं। तब देखिए जैसे आप जीएसटी नंबर देंगे तो उसको 24 आवर लगता है आईस्किड पे रिफ्लेक्ट होने के लिए। वैसे तो ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, बट बेटर है पहले से करके रखें। और एक चीज़ बता दूँ कि जब आप ये जीएसटीआईएन आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिंकेज नहीं होता है, तो लिंकेज क्रिएट करने के लिए ये मैच आईसी जीएसटीएन आप गूगल में सर्च करके ये आप मैच करा सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीएसटीआईएन, मीन्स बेसिकली वो जीएसटीआईएन का डेटा कस्टम्स पे सबमिट करना है, ये पोर्टल के थ्रू वो हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर सबमिट करेंगे तो 24 आवर लगता है उसको कस्टम्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए। अब जब आप जीएसटीआईएन आपने दे दिया है, 24 आवर बीत गया है, उसके बाद आपको मैच आईसी जीएसटीआईएन करना है। अब ये मैचिंग का इसलिए ज़्यादा पर्पस है इसका क्योंकि जीएसटीआईएन सबमिशन तो हुआ है कस्टम्स में, बट वो किस आईईसी से रिलेटेड है ये पता नहीं होता है, तो उसको मैच करने के लिए आपको ये स्टेप भी फॉलो करना है। तो पहले तो इंटीग्रेट करिए, तो जैसे लिखा हुआ है ऊपर में आप देख सकते हैं टू इंटीग्रेट प्लीज़ क्लिक हियर। सो अब अगर आपने इंटीग्रेट नहीं किया है तो ऊपर क्लिक करें, अगर इंटीग्रेशन हो गया 24 आवर हो गया है तब यहाँ पे एंट्री डाल के सबमिट करें। तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको अगेन 24 आवर वो लिंकेज को मैच करने के लिए लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें कि मैंने ये बहुत फेस किया क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम में अगर आप ये सबमिशन करेंगे तो बार बार ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि क्रोम में और इंटरनेट एक्सप्लोरर में बार बार आपको कुकीज़ क्लियर करने पड़ेंगे, कैश क्लियर करने पड़ेंगे, तब ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये बार बार सबमिट करने के बाद एक इनवैलिड कैप्चा, कुछ कुछ एरर्स वगैरह आता रहता है। तो आप इसको दूसरे ब्राउज़र फॉर एग्ज़ाम्पल मोज़िला में आप खोलें और वहाँ पे प्राइवेट टैब में जाएं और वहाँ पे सबमिट करें,
तो जब आप प्राइवेट टैब में सबमिट करेंगे तो देखिए ये सबमिशन सक्सेसफुली हो गया है। दोस्तों तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखें।